अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यहाँ पे होता है नेशनल डे इनका जो 2 दिसंबर और वो 4 छुट्टियाँ थी तो ख़त्म हुई हैं, तो मैं पहुँचा हूँ साइड पे। आज मैंने सोचा कि पूरा जो साइड है, आज साइड सफ़ा आदि हमर शिबा सब जो है आज विज़िट करूँगा। तो अब से सुबह 7 o'clock से जब मैं साइड पे पहुँचा तो वहाँ से स्टार्ट किए, तो अभी तक 3 से 4 साइड जो विज़िट कर चुका हूँ। तो आया हूँ नदी हमर वाली साइड पे, तो आज मौसम है बड़ा प्यारा, क्लाउडी मौसम है। देखें ऐसे लगता है जब से रेन आएगी बिल्कुल डार्क जो है क्लाउड है, और दुबई में बहुत प्यारा मौसम है आज, क्लाउडी मौसम है। इंशाल्लाह बारिश रेन आएगी तो ठंडी हवा चल रही है। तो मैंने सोचा कि आपको दिखाते हैं कि हमारे नदी अमर वाली साइड पे क्या चल रहा है आज, इधर आदमी क्या कर रहे हैं। तो आइए मेरे साथ दिखाते हैं कि साइड पे आज क्या काम हो रहा है। तो इसकी चल रही थी तैयारी अभी प्लास्टर की, इसके वाल कंड्यूट्स इलेक्ट्रिक के तो लग चुके हैं। तो मेरे ख्याल में अभी आज था PPR का काम इन्होंने करना, तो दिखाते हैं कि जी PPR का काम उन्होंने किया है कि नहीं किया। ये थे हमारे PPR के और AC की ड्रेनेज के पाइप, और ये रेन वाटर के पाइप 3 इंच के लगाते हैं। तो दिखाएंगे आपको जैसे जैसे इनका काम, ये कटिंग की हुई है AC की ड्रेन के लिए, और यहाँ पे भी थोड़ी PPR का काम बाकी है। ये मजलिस का बाथरूम है तो इसमें अभी उन्होंने शुरू नहीं किया, तो चलते हैं दिखाते हैं दूसरे रूम की तरफ चलते हैं, वहाँ पे शायद काम शुरू किया हुआ था, बता रहे थे कुछ मटेरियल कम पड़ गया तो वो भी उनके लिए अरेंज कर रहे हैं। तो ये था सेकंड वॉशरूम इसका, तो यहाँ पे जी उन्होंने कर दिया है काम कंप्लीट अल्हम्दुलिल्लाह। ये पॉइंट हैं इसके वॉश बेसन के, जो वेल्डिंग की है ये इन्होंने PPR की, वो भी दिखाते हैं कैसे करते हैं। और साथ में ये 2 पॉइंट हैं WC के, और चलिए यहाँ पे एक जो है ये शावर का पॉइंट है, ये इन्होंने यहाँ पे शावर मिक्सचर आएगा, और साथ में ये हॉट एंड कूल है। लेफ़्ट साइड में हमेशा हॉट पॉइंट आता है गर्म पानी का, और राइट साइड में कूल यानी ठंडा पानी। यही थ्योरी है पूरे वर्ल्ड में ऐसे ही। और ये ऐसे चलते हुए इधर से दोनों पाइप ऊपर गए, और ऊपर ऐसे इन्होंने गेट वाल लगा दिया, कूल वाटर पे लगाया गेट वाल, और हार्ट भी इधर से स्टार्ट, क्योंकि ये इधर वाटर हीटर इनसाइड लगेंगे, सोलर वाटर हीटर नहीं है। सोलर वाटर हीटर ओनर ने कहा मैंने नहीं लगवाना, जहाँ पे लगेगा इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो आपको दिखाएंगे कि सोलर वाटर हीटर की फिटिंग कैसे की जाती है। तो यहाँ पे जनाब हमारे प्लम्बर से बाल लगे हुए, हाँ जी हो रही है, ये लें जी सामान अपना। बाथरूम कंप्लीट हुआ है? हाँ वो ख़त्म। अच्छा अच्छा, कोशिश करें कि आज ये जो है ना किचन और बाथरूम का पूरा काम ख़त्म हो जाए PPR का।
कटर है इसका बड़ा शार्प होता है ना, शेयर का कटर जबरदस्त। ये इसके कूल वाटर का बन गया पॉइंट, ये दो WC के और इसका। तो सादे अलबत्त पड़े थे वो जो पुरानी वो फिटिंग जो पहले की लेके आए थे उसमें जो पहले से हैं स्टोर इसकी भी ये शावर की जो है फिटिंग वो भी कंप्लीट हो गई है। और ये इसका बाहर पॉइंट रहता है सर गेट वाल की तरफ जो ऊपर जाएगा रूफ पे, ये कूल वाटर का भी रहता है, हॉट वाटर का लगा दी। अच्छा इसका जो गारंटी का ऊपर फंसेगा ना, जी जी इसमें फंसेगा ना, 45 लगेगा सर करता है नहीं कोई मुझे 45 लगा देगा। अभी आप PPR का ख़त्म करो, वो ड्रेनेज का बाद में कर लेगा, मुश्किल नहीं है, वो कटिंग बाद में करेगा। इसको कर दो वो फिर इसको कटिंग करके लगा देंगे। 45 ऊपर लगेगा, नीचे एल्बो 90 का लग जाएगा। आप PPR का फिनिश करो आज जितना भी है, तो वो बाथरूम का उसका मजलिस का ये इसका पीछे जो ये हो ये करके ये किचन का ये PPR का ख़त्म करो, बाद में फिर टाइम बचेगा तो वो दूसरा जो है ड्रेनेज का लगा देना पाएंगे। पहले ये इसको फिनिश हो जाएगा ना PPR का, फिर इसका ड्रेनेज की तरफ आए। तो ये पीस आप नीचे तैयार कर लिया करें ना, ऊपर करते हैं भाई साहब सीख लें हम, ठीक है फिर थोड़ी ट्रेनिंग वास्ते लेके आए बंदा। हाँ जी समझ आई, बिगैर मैं बाथरूम की कीती नहीं, मैनू टाइम नहीं सी है, नहीं तो मैं तुम दस देना उधर हूँ स्पैशल थोड़े वास्ते आना पैना। ये इसका गर्म का पॉइंट और ये ठंडे का, इधर वो फिर वो शावर का, ये बहुत अच्छी चीज है, दिखाना इसे। हाँ ये जो इसका शावर के लिए वो जंपर लगाते हैं वो सिंपल लगाए एल्बो तो ऊपर नीचे हो जाता है ना, तो इसमें ये है कि ये देखें इसके ऊपर लग जाता है, ये ओपन के लिए बना है असल में, इधर ओपन भी आप स्क्रू के साथ लगा जाते हैं। हाँ, हाँ। तो ये इसका क्या होता है कि बस आप लेवल करें इसको और सीधा लगा दें, ये एल्बो आपके दोनों का डायरेक्शन जिधर करेंगे एक ही जगह रहेगी, यहाँ पे ये शावर का इसका जो है यहाँ पे वेल्डिंग होगी इसकी PPR के जो है हीटर के साथ। तो ये वेल्डिंग मशीन है हमारी, बहुत अच्छी मशीन है ये, इसकी मेड इन टर्की है, ज़बरदस्त। ये जो कंपनी आप देख रहे हैं बहुत ज़बरदस्त है, ये डबल इसमें है हीटर का स्विच भी डबल है, अगर सिंगल आप ऑन करेंगे तो सिंगल हो जाएगा, डबल करेंगे तो डबल जल्दी हो जाता है गर्म। ये ज़बरदस्त ये हीटर है, इसको कहते हैं कि वेल्डिंग PVC पाइप, वेल्डिंग मशीन कहते हैं क्या इसको? हाँ, वेल्डिंग सेट।
ये जो बड़ी अच्छी चीज लगी है मुझे, मैं देख रहा था एक दिन, मैंने कहा ये एल्बम सिंगल लगवाते हैं ना इसका, ये इसका तो ऊपर नीचे हो जाता है, खास करके जो मिक्सचर का है ना उसके लिए प्रॉब्लम होती है। तो ये बड़ा अच्छा सेट इन्होंने बनाया है। क्योंकि इसका स्टैंडर्ड साइज है ना इसकी चौड़ाई। अपनी तरफ राइट साइड और राइट साइड में करो, लेफ्ट में हमारा राइट। तो लेवल से ये हो जाता है कि इसका बिल्कुल सीधा जो है ना, बाकी थोड़ा बहुत तो इसमें वो बेंडिंग वायर से बांध के भी सेट हो जाए। तो यहाँ पे इसका आ रहा है ये वॉश बेसन का पॉइंट, ये WC और वो शावर, तीन ही पॉइंट आ रहे हैं। और ये जो कटिंग की हुई है ना, ये नया डिज़ाइन डेकोर बना रहे हैं यहाँ पे, कुछ शैम्पू वगैरह साबुन वगैरह रखने के लिए। ये इसकी हाइट है 35 सेंटी आएगी फिनिशिंग के बाद, प्लास्टर और टाइल के बाद, और चौड़ाई 80 सेंटी। ये हाइट नीचे से 1 मीटर पे रख रहे हैं। हाँ, फिनिश 1 मीटर रखते हैं। अभी यानी 110 आएगा। हाँ, 110 आएगा। 40-70 सही। ये शावर के मिक्सचर की जो है वो स्टैंडर हाइट वो 1 मीटर आती है फिनिशिंग से। अभी हम 110 रख रहे हैं, 1 मीटर 10 सेंटी। तो नीचे आएगी उसके अभी कंक्रीट, इसलिए फिर फिनिशिंग के बाद 1 मीटर रह जाए।